Hello everyone, in this lecture we will be solving the problem that we have discussed in the previous class. तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि इस वाले जो प्रॉब्लम में क्या है, स्क्रीन वगैरह दिख रही है ना मेरी, सब क्लियर है? तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें ये हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि ये रोलर सपोर्ट है तो यहाँ पर एक रिएक्शन मिलेगी, और ये आपका हिंज सपोर्ट है तो यहाँ पर दो रिएक्शन HB और VB, ये बता दिया। B पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है और ये V पॉइंट पे वर्टिकल रिएक्शन है। इसके बाद ये लोड वर्टिकल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये पहले से ही सेट है वर्टिकल डायरेक्शन में, जबकि ये वाला जो लोड है 60 किलो न्यूटन का, ये इंक्लाइंड लगा हुआ है। तो इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 60 sin 45, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया 60 cos 45। ठीक है, तो ये वाले सारे जो लोड्स एक्सटर्नल लगे हुए थे वो तो हम लोगों ने देख लिया। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी कि ये वाला लोड है वो UDL है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ना। इस वाले में आप लोग देख रहे हो कि ये जो लोड दिया गया है वो आपका यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो इस लोड को सबसे पहले जब हमें कैलकुलेट करना होगा तो इस लोड को मुझे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर UDL है, उस UDL को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड कैसे निकालते थे, इंटेंसिटी में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो इसकी इंटेंसिटी है 30, तो 30 लिख दिया, और डिस्टेंस कितनी है 4, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, कितनी लेंथ पे लगा हुआ है ये वाला लोड लगा हुआ है 4 मीटर की डिस्टेंस पे, तो 4 से मल्टीप्लाई किया। तो टोटल जो इसकी इंटेंसिटी लोड बनेगा, इस UDL का जो एग्जैक्ट पॉइंट लोड बनेगा वो बनेगा 120 किलो न्यूटन। ठीक है, और आपको पता है कि जो अगर UDL लगा होगा तो UDL की वजह से जो उसका नेट लोड होता है, जो कि 20 किलो न्यूटन का इस वाले केस में होगा, डिस्टेंस इनटू इंटेंसिटी, वो जो वैल्यू होगी वो मिड पॉइंट पे लगती है। ये मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, बोलिए, बोलो। हाँ जी, हेलो, ठीक है, ये बताया था। और हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को मैं क्या करूंगा, दोबारा से पॉइंट लोड के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब इस वाली प्रॉब्लम को, ये जो डायग्राम है, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा पॉइंट लोड में। वैसे बताना इसी में चाहिए था, अलग से नहीं, क्योंकि ये इनिशियल प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं आपको एक अलग से डायग्राम बना करके समझा देता हूँ। तो अगर हम बात करेंगे, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स इसमें बताए हैं। ये हमारे पास एक बीम थी, और इस बीम में ACDE 2, 4, 1, 2, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लो 2, यहां से यहां तक मान लो 4, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक फिर 2। ठीक है, 2, 4, 1, 2, यहां पर एक रिएक्शन लग रही है अपवर्ड, जिसकी वैल्यू है RA, और यहां पर दो रिएक्शन लग रही है HB एंड VB। ये V पॉइंट, ये आपका पॉइंट, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट है B, यहां पर ये पॉइंट है आपका बी। तो यहां पर एक रिएक्शन तो इधर लगी हुई है जिसको हमने HB माना है, और एक रिएक्शन अपवर्ड लगी हुई है जिसको माना है VB। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से लोड लग रहे हुए हैं, 4, 2, 6, 7, 8, 9 हुए, ये 20 का है, और ये यहां पर एक लोड लगा है डाउनवर्ड 20 का, और यहां पर एक लोड लगा, दो लोड्स लगे हुए हैं, एक तो है आपका 60 sin 45 हो गया, और एक इस डायरेक्शन में लग रहा है लोड आपका, इसका एक कंपोनेंट इधर एक्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू है 60 cos 45 हो गया, 60 cos 45। ठीक है, इस तरफ लग रहा है। अब क्योंकि यहां से यहां तक आपका UDL लग रहा था ना, यहां से यहां तक आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। अच्छा, ये डी पे नहीं है, ई पे लग रहा है, हाँ ये वाला ई पॉइंट मान लेते हैं। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है 4 है, यहां से यहां तक 4 डिस्टेंस है। तो मैंने आपको कन्वर्जन बताया था कि इसका अगर इक्विवेलेंट पॉइंट लोड होगा वो ये वाला रहेगा, तो सी पॉइंट से 2 मीटर की डिस्टेंस पे आपको 120 किलो न्यूटन का लोड लगा देना है। तो सी पॉइंट से आपको यहां से 2 मीटर की डिस्टेंस, मतलब सेंटर में 120 किलो न्यूटन का इक्विवेलेंट लोड लगा देना है। बताओ, ये डायग्राम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये जो आपका फिगर है,
इक्विवेलेंट पॉइंट लोड डायग्राम है, इक्विवेलेंट पॉइंट लोड डायग्राम। ठीक है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? किस तरीके से मैंने कन्वर्जन किया इसका? तो मैंने आपको बताया था कि ये आपका कौन सा लोड लगाया सी और डी के बीच में, ये आपका लोड नहीं है, ये जो लोड है वो यूडीएल है। कैसा है ये? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और मैंने आपको बताया था कि तीन टाइप के लोड होते थे, पॉइंट लोड, यूडीएल और यूवीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो इस लोड की जो वैल्यू होती है, वैल्यू नहीं दी होती, इसकी इंटेंसिटी दी होती है। तो ये 30 किलो न्यूटन पर मीटर, अगर आप यहां से एक मीटर डिस्टेंस पे जाओगे तो वो 30 किलो न्यूटन का लोड लगाएगा। तो टोटल अगर इस यूडीएल की वजह से टोटल जो लोड लगेगा, इक्विवेलेंट पॉइंट लोड लगेगा यूडीएल की वजह से, वो क्या निकालते थे? इंटेंसिटी में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते थे। वहीं अगर यूवीएल होता है तो उसमें 1/2 इंटू डिस्टेंस इंटू मैक्सिमम हाइट करते थे कि नहीं? बोलो, यस सर, करते थे, है ना। अब ये आपका यूडीएल है तो इसमें पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि इसकी इंटेंसिटी क्या है और उस इंटेंसिटी में कितनी डिस्टेंस तक ये लग रहा है। तो इसकी इंटेंसिटी दे दी 30 किलो न्यूटन पर मीटर, तो 30 किलो न्यूटन पर मीटर लिख दिया, इंटू कितनी डिस्टेंस तक काम कर रहा है, यहां से यहां तक लगा हुआ है, कितनी डिस्टेंस है, 4 मीटर है, तो 4 मीटर लिख दी। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 120 किलो न्यूटन, जैसा कि मैंने आपको अलग से यहां बता दिया गया है। ठीक है, अब इसको जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो इस यूडीएल को मैं कितनी वैल्यू लिखूंगा, 120। अब 120 न्यूटन का लोड कहां लगेगा? तो मैंने आपको बताया था अगर यूडीएल होता है तो इक्विवेलेंट जो पॉइंट लोड होता है वो एकदम सेंटर में लगता है, यहां से यहां तक सी और डी के जस्ट बीच में। मतलब अगर ये टोटल लेंथ 4 है तो यहां से 2 मीटर की डिस्टेंस पे, तो देखो यहां से 2 मीटर के डिस्टेंस पे 120 किलो न्यूटन का लोड मैंने लगा दिया, ये इक्विवेलेंट पॉइंट लोड हो गया। तो यही मैंने किया, अब इसको यूडीएल को हटा दिया है, बाकी सारे इनक्लाइन लोड हटा करके इसको मैंने पॉइंट लोड लगा दिया यहां से 2 मीटर के डिस्टेंस पे। देखो बताओ, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट और ये ई पॉइंट, अब बताओ क्या दिक्कत है? ठीक है कि नहीं? बोलो, यस सर, ठीक है। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट क्या करना है क्वेश्चन में, रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है, सपोर्ट रिएक्शंस ए और बी पे। तो वो मान लिए हमने ए और बी पे, ए पे लेट द रिएक्शन एट पॉइंट ए इज आर ए एंड द रिएक्शन एट पॉइंट बी आर एच बी एंड एच वी बी। अब क्या करना है, सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अप्लाइंग द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हो गई। क्या होती है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इस वाले केस में? पहली कंडीशन होती है सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स डायरेक्शन में जो भी राइट वाइड फोर्स है और वो वाले राइट वो फोर्स है जो राइट वाइड राइट हैंड इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं वो किसके बराबर होंगे, लेफ्ट वाइड फोर्सेस के। फोर्सेज एक्टिंग अलॉन्ग राइट हैंड डायरेक्शन इज इक्वल टू द फोर्सेज अलॉन्ग लेफ्ट हैंड डायरेक्शन, यही सब बताया था ना। अब बताओ राइट साइड में कौन से फोर्सेज लग रहे हैं जिनकी वैल्यू राइट हैंड साइड में एक्ट कर रहे हैं वो। तो एक तो ये काम कर रहा है आपका, ये वाला राइट साइड में करना है ना 60 cos 45, एक तो काम कर रहा है 60 cos 45, ये राइट साइड में काम कर रहा है। और कोई है ऐसा फोर्स जो राइट हैंड साइड की तरफ काम कर रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है? बताओ जल्दी से, और कोई नहीं है? ठीक है, अब देखेंगे ये वाले फोर्सेस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो फोर्स लग रहे हैं उनके बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में केवल और केवल एच बी लग रहा है, इसके अलावा कोई और दूसरा फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना, तो ये एच बी की वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करो, एच बी कितना आ रहा है, एच सफिक्स बी कितना आ रहा है, 60 × cos 45, बताओ कितनी वैल्यू आ रही है सर? 42.42 किलो न्यूटन। तो आपका एक आंसर तो ये आ गया 42.42 किलो न्यूटन। ठीक है, चलिए तो चेक किया आप लोगों ने आंसर यही है कि नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ। यही है सर, यही है सर, सब पे यही आ रहा है। चलिए अब अगला क्या करेंगे, अगला कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे हम इसमें? नेक्स्ट सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई अप्लाई करो, अप
अप्लाइंग द सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो. इसका मतलब होता है कि जितने भी वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब अपवर्ड फोर्सेस लग रहे हैं, जितने भी अपवर्ड फोर्स लग रहे हैं उन सबका सम डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर होगा. अब पहले देख लेते हैं अप में कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. एक तो आर ए लग रहा है और एक वी बी लग रहा है. इसके अलावा कोई तीसरा फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा. तो लिख देंगे अपवर्ड फोर्सेस है आर ए प्लस वी बी. इट इज इक्वल टू अप डाउनवर्ड जो जो फोर्सेस लग रहे हैं. तो डाउनवर्ड में जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उसमें पहला फोर्स है 20 किलो न्यूटन का, दूसरा है 120 किलो न्यूटन का और तीसरा है 60 साइन 40 पर. बताओ सही है. एक हो गया 20 प्लस 120 प्लस 60 कॉस 45 साइन, नहीं साइन 45, 60 साइन 45 कितना आ रहा है बताओ वैल्यू. आर बी आर ए प्लस 182.42. अब इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर वन, क्योंकि इसमें दो अननोन है, एक आर ए और एक वी बी. तो ये एक इक्वेशन है, इससे सॉल्व नहीं होगा. करना क्या पड़ेगा, हमें तीसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगानी पड़ेगी. ठीक है. सो अप्लाइंग थर्ड कंडीशन, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो. अब देखो, अगर आप चाहो तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले सकते हो, इस पॉइंट के अबाउट भी ले सकते हो, इस पॉइंट के अबाउट भी ले सकते हो, इसके अबाउट भी, इसके अबाउट भी, और बी पॉइंट के अबाउट भी मोमेंट ले सकते हो. लेकिन कोशिश करना उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लो जहां पर मैक्सिमम अननोन की वैल्यू जीरो हो जाए. आप मुझे बताओ, अगर मैं इस बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेता हूं, ठीक है, तो एक तो एच बी ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, एक वी बी ये भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो इन दोनों का मोमेंट तो जीरो हो ही जाएगा, क्योंकि वी बी अननोन है ना आपका. क्यों भाई, वी बी अननोन है. या ए पॉइंट के अबाउट ले लो, अगर ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लोगे तो आर ए इस पॉइंट से पास हो रहा है तो ये इसका मोमेंट जीरो हो जाएगा. ठीक है. तो चाहे तो आप ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेकर के इसको सॉल्व कर लो, चाहे बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेकर के सॉल्व कर लो, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो मैं ले लेता हूं पॉइंट, अब हर बार पॉइंट ए के अबाउट लेता था, इस बार पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट ले लेता हूं. तो समेशन ऑफ द मोमेंट अबाउट पॉइंट बी इज इक्वल टू जीरो. तो इसका मतलब है मैं मोमेंट ले रहा हूं पॉइंट बी के अबाउट, टेकिंग द मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट बी. अब बी पॉइंट के अबाउट क्या करते हैं, मोमेंट में क्या होता है, इसका मतलब क्या हो गया. सिग्मा एम इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया बताओ. अरे इस पॉइंट का मतलब क्या हो गया, सिग्मा एम का एम बी का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ. आपका मोमेंट या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा. तो क्लॉकवाइज जो मोमेंट है उसका जो सम होगा, जितने भी क्लॉकवाइज मोमेंट्स होंगे उन क्लॉकवाइज मोमेंट्स का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के. बोलो हेलो. अरे बोलो तो सही भाई. यस सर. है ना. अब क्लॉकवाइज मोमेंट्स कौन कौन से हैं देख लो. पहले पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट. तो सबसे पहले तो आर ए एक्ट कर रहा होगा ऊपर की तरफ. जब आर ए एक्ट ऊपर की तरफ कर रहा है तो ये इस बीम को इस पॉइंट के अबाउट इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा. क्लॉकवाइज वाइज. तो जो फोर्सेस ऊपर की ओर काम कर रहे हैं उनका मोमेंट क्लॉकवाइज होगा, और जो नीचे करेंगे वो जो नीचे एक्ट कर रहे होंगे डाउनवर्ड एक्ट कर रहे होंगे उनका एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. तो आर ए ये हो जाएगा आपका आर ए इनटू कितने डिस्टेंस पे काम कर रहा है आर ए बी से, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, दो ये हो गई चार छ, छ और एक सात और दो नौ, नाइन हो गया. नाइन ये क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया. अब एंटी क्लॉकवाइज नाइन हो गया ना, दो एरा चार एरा एक एरा दो एरा. ठीक है. अब एंटी क्लॉकवाइज कौन कौन से काम करेंगे, सबसे पहले देखते हैं 20 किलो न्यूटन का फोर्स नीचे एक्ट कर रहा है तो इस पॉइंट के अबाउट इस वाली बीम को ऐसे घुमाएगा नीचे की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा. बोलो आप अपने हैंड पे हाथ में पेन पकड़ो राइट हैंड साइड में और यहां पर फिक्स करो, ये 20 किलो न्यूटन का नीचे लग रहा है तो इसको नीचे की ओर नहीं घुमाएगा. बोलो ऐसे घुमाएगा. तो ये ऐसे घुमा रहा है तो क्लॉकवाइज हो गया एंटी क्लॉकवाइज हो गया. इस पॉइंट के अबाउट देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया ये. तो वही मैं पूछ रहा हूँ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा इसको.
तो जब ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी मोमेंट की, फोर्स 20, और डिस्टेंस कितनी होगी यहां से यहां तक 7, चार तो ये हो गई, एक ये हो गई और दो ये हो गई, तो 7 हो गई ना, तो 20 × 7 ये वाला मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। अगला क्या होगा, अगला 120 लग रहा है, कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, यहां से यहां तक का 2, यहां से यहां तक का 1 3, और यहां से यहां तक 2, तो 5 हो गया, तो 120 × 5 ये भी एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, प्लस 120 × 5, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब अगला कौन सा फोर्स लग रहा है, 60 sin 45 का, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है यहां से, 2 की डिस्टेंस पे लग रहा है ना, 2 की डिस्टेंस पे लग रहा है, तो 2 × 60 sin 45, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है सारे, तो 60 sin 45 × 2। तो बताओ यहां से आर ए की वैल्यू कितनी आएगी, टेल मी द वैल्यू। पहले क्या करोगे, 20 × 7 करोगे, कितना हो गया 140 हो गया, प्लस कर दोगे 120 × 5, 600 हो गया, प्लस 60 sin 45 × 2, तो 60 sin 45 की वैल्यू निकाल दो, जो भी आंसर आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो यहाँ लिखा जाएगा, फिर बाद में इन सबको आप ऐड कर दोगे, ऐड करने के बाद 824 ये किसकी वैल्यू आई है, आर इसकी इजिकल्टी की, जो इतना ऊपर लिखा था इसको कैलकुलेट करा है, 20 × 7 प्लस यहाँ से यहाँ तक का ना, तो ये 9 RA की वैल्यू आ जाएगी, 9 RA की कितनी आ गई सर, 800 8 तो आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 से डिवाइड कर देंगे सर, 91.65 किलो न्यूटन, तो ये सही आ गया आंसर आपका, तो ये आर ए की वैल्यू निकल गई, क्यों भाई निकल गई ना, एक आंसर आपकी ये एक रिएक्शन तो आपने आर ए निकाल दी, और एक रिएक्शन आपने निकाल दी है एच बी, अब कौन सा रह गया, ये निकल गया, ये निकल गया, अब वी बी रह गया, आपको पता है भाई इक्वेशन नंबर 1 में 2 ही तो पैरामीटर है, आर ए और वी बी, तो आर ए की वैल्यू हम क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, तो आर ए की जो वैल्यू निकली है वो इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, तो आपको वी बी की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ आर ए इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 क्या है, 90.78 आर ए प्लस वी बी इज इक्वल्स टू 182.42, तो कितनी वैल्यू बताई बेटा, ये वाली आर ए की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद, वी बी कितना आ रहा है, 90.78, ठीक है 90.78 गुड, तो ये आपके दोनों सारी रिएक्शंस निकल गई, बताओ उसमें दिक्कत कहां पर आई, जो भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया है उसका कहीं ना कहीं यूज होना है, और ऐसी प्रॉब्लम तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है, ठीक है सर, तो मैंने आपको बताया था कि यूडीएल होता है, यूबीएल होता है, तो मैंने इसीलिए पढ़ाया क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स आपको आगे देखने को मिलेंगी। आप बोलोगे सर ये होता कहां पर है, तो मैं आपको बता रहा हूं, पॉइंट लोड कैसे लगता है, सपोज करो बीम, अभी आप बीम तो भूल जाओ, ये मान लो कि एक बेंच पड़ी है मेरे पास, क्या पड़ी है, एक बेंच पड़ी है, या क्लास में अज्यूम कर लो कि क्लास में एक बेंच है मेरे पास, और ये बेंच है और नीचे सपोर्ट्स लगी हुई हैं, एक मान लिया सपोर्ट यहां लगा दिए और एक सपोर्ट मैंने यहां लगा दिए, अब मान लिया एक स्टूडेंट यहां बैठ गया, एक स्टूडेंट यहां बैठ गया, एक स्टूडेंट यहां बैठ गया, तो मैं ये पूछना चाहता हूं अगर ये 3 स्टूडेंट बैठे तो यहां पर सपोर्ट रिएक्शन कितनी लग रही होगी, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, अब जनरली हम ये मान लेते हैं कि वो जो लोग हैं वो पॉइंट लोड हैं, ये पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो वो तीनों एक तरीके से पॉइंट लोड, ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया, अब बाय चांस तो ये पॉइंट लोड एक्ट करेगा अगर वो बैठे हैं, बाय चांस क्या होगा, मैंने बोल दिया कि भाई अभी स्टूडेंट बैठा नहीं है, यहां से यहां तक लेटा है, तो क्या होगा, वो जो लोड लग रहा होगा ना उसका टोटल वेट, अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस पूरी लेंथ में, तो वो यूडीएल की तरह काम करने लगता है, वो एक तरीके से यूडीएल की तरह काम करने लगता है। अब बोला कि नहीं यार वो लेटा नहीं, वो बैठा है, वो बैठा कैसे है कि उसके पैर इस तरीके से और वो इस तरीके से बैठा है 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, तो वो आपका एक तरीके से क्या बन जाएगा, यूवीएल टाइप का बन जाएगा,
को नहीं, यहां से यहां तक तो यूडीएल रहेगा, फिर एक साथ पॉइंट लोड लग जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई लोड वेरिएशन इस टाइप का है कि भाई एक ट्राइंगल की फॉर्म में लगा है, आप लोगों ने देखा होगा वेज लगे होते हैं, वेज है ना, वेज देखे हैं कहीं कि नहीं देखे हैं? क्या सर? नहीं सर, वेज नहीं देखे। अरे फ्लाई ओवर पे चढ़ते हो आप? यस सर, यस सर। तो ऐसे राइज करते हैं, फिर कॉन्स्टेंट रहता है, फिर डाउन जाते हैं, तो ये एक तरीके से जो ट्राइंगल टाइप का बनता है ना, इसको वेज बोलते हैं, वेज। ओके सर, वेस्ट, इसको एक तरीके से वेज बोला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि घड़ी देखा है, है ना, कभी कभी हाँ, हाँ, तो ये तरीके से वेज एक्शन है, वेजिंग एक तरीके से ये है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सपोर्ट्स होते हैं, किस तरीके से यूडीएल लगता है, किस तरीके से यूबी लगता है। अब अगला जो न्यूमेरिकल है वो आप लोग जल्दी से फटाफट से सॉल्व करेंगे, अब इसमें कुछ नहीं है। क्या ये तो दोबारा से, ये तो हो चुका है शायद, अब ये वाला है। इसको सुनो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो आपका यूडीएल लगा। अब इस प्रॉब्लम में क्या है, कुछ नहीं। अब याद रखना, इसमें एक इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट मैं आपको और बता रहा हूं, सुन लो। ये कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर बीम दी गई है ना, बीम भी कई टाइप की होती है, वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। जो हमारे पास बीम होती है वो कई टाइप की होती है, एक होती है सिंपली सपोर्टेड बीम, एक होती है कॉन्टिन्यूस बीम, एक होती है कैंटिलीवर बीम, एक होती है ओवर हैंगिंग बीम। तो ये सारी बीम क्या होती है वो आपको आगे बताऊंगा। अब थोड़ा सा कंसेप्ट ये समझ लो कि सपोर्ट आपकी कहाँ लगी है, यहां पर लगी है ना, एक तो यहां सपोर्ट लगी है ए पर, और एक सपोर्ट लगी है बी पर, लगी है कि नहीं? ये कैसी सपोर्ट है, टेल मी, ये रोलर सपोर्ट है या कोई और टाइप की सपोर्ट है, बताओ। तो कौन सी सर? लेफ्ट में ए पॉइंट पे जो लगी है सर, ए पॉइंट पे जो है सर, वो विंड है सर। विंड, बिल्कुल। तो कितनी डायरेक्शन यहां लगेंगी, आप मुझे बताओ, यहां पर कितनी डायरेक्शन लगेंगी, ये बताओ पहले। एक दो तीन, दो लगेंगी ना भाई, हिंड सपोर्ट पे दो होती है। यस सर, दो लगेगी। तो एक तो मैं मान लेता हूं कि एक मेरे पास जो रिएक्शन है वो अपवर्ड लगेगी, इसको मैंने आर ए मान लिया है, और एक मैंने मान ली कि भाई ये मेरी रिएक्शन है, वो इस तरीके से लगा देता हूं मैं हॉरिजॉन्टल, तो एच ए मान लिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मान लिया, और एक आर ए मान लिया, दो रिएक्शन लगेगी, क्योंकि ये आपके पास कैसी सपोर्ट है, हेन सपोर्ट है। इसमें शायद कुछ इनकम्प्लीट है क्या, सर? दो ही लगेगी सर, दो ही लगेंगे ना, ये शायद, ये पता नहीं क्यों बना दिया, छोड़ो, ये कुछ नहीं है शायद, एक बार और चेक कर लेता हूँ कहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये कुछ नहीं है, ऐसे बना दिया है। अब दो रिएक्शन यहाँ पे लग गए, अब ये कैसा सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है, तो रिएक्शन बी पे एक लगेंगी, दो लगेंगी, दो लगेगी सर, इसमें भी एक डाउनवर्ड्स और एक दो लगेंगी। अच्छा, कौन बोल रहा है दो लगेंगी? संकेत पांडे। पांडे जी, एक ही लगेगी रोलर पे, पुरानी क्लास देखो। जब रोलर सपोर्ट होता है तो एक रिएक्शन होती है, और जब हिन सपोर्ट होता है तो दो रिएक्शन होती है, याद है कि नहीं? नहीं याद है, भूल गए हो, या क्लास में नहीं होंगे। तो आर वी केवल वर्टिकल रिएक्शन लगेगी, इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं लगेगी, ठीक है। अब जो कंसेप्ट है आपको, तो हम मान लेते हैं, लेट रिएक्शन एट पॉइंट ए आर एच ए एंड आर ए, बिकॉज हिन सपोर्ट है ये, क्योंकि ये हिंज सपोर्ट है, और रिएक्शन जो बी पॉइंट पर है वो आरबी रिएक्शन है, क्योंकि ये रोलर सपोर्ट है, ठीक है। अब जो मैं पॉइंट कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं वो सुन लो, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या लगा हुआ है, क्या लगा है बताओ, हाँ जी, है, ये गलत लिखा हुआ है, इसको लिख देना 30 किलो न्यूटन मीटर लिख देना इसको, ये यहां पर एक मूवमेंट लगा हुआ है 30 किलो न्यूटन मीटर का। जब भी अगर किसी पॉइंट पे आपको ऐसा गोल घेरा मिले इस टाइप का, ठीक है, ये गोल सर्कुलर मिले, या तो ऐसा मिल सकता है या ऐसा मिल सकता है, तो वो क्या शो कर रहा है, मोमेंट को शो कर रहा है, कि यहां पर एक मोमेंट लगाया गया है, क्या लगाया गया है,
मोमेंट, और याद रखना मोमेंट केवल मोमेंट वाली इक्वेशन में अप्लाई होगा, दूसरी इक्वेशन में अप्लाई नहीं होगा। जब हम लोग सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो उसमें ये काउंट नहीं होगा, जब सिग्मा एफ वाई लगाएंगे तब भी काउंट नहीं होगा, लेकिन जब सिग्मा एम लगाएंगे तब इसको काउंट करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, कंसेप्ट क्या है? अगर आप सिग्मा एफ एक्स जीरो लगाओगे तो ये काउंट नहीं होगा, सिग्मा एफ वाई लगाओगे तब भी नहीं होगा, लेकिन जब मोमेंट वाली इक्वेशन लगाओगे, तीसरी वाली इक्वेशन इक्विलिब्रियम की, तब इसको लेना है। समझ में आया? तो ये कंसेप्ट है। अगर आप लोगों ने ये गलती की तो गलत हो जाएगा आपको क्वेश्चन। तो ठीक है, अब देखते हैं कि कंडीशन अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब मैं ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, अप्लाइंग द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ये लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो अप्लाइंग द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, अप्लाइंग द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? पहले सिग्मा एफ एक्स जीरो, तो एक्स डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस लगे उनका वैल्यू कितनी हो जाएगी, उनका सम जीरो। तो राइट साइड में फोर्स लग रहा है एच ए, एच ए लिख दो। और कोई फोर्स लग रहा है क्या राइट साइड में? नहीं लग रहा है। क्या कोई फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है? इट इज इक्वल टू फोर्सेज इन टू सम ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग अलोंग द लेफ्ट हैंड साइड। क्या कोई फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है? एक्स डायरेक्शन में और कौन सा फोर्स लग रहा है, कोई लग रहा है? बोलिए जल्दी से, बोलो, टेल मी। सर क्या सर? सिग्मा एफ एक्स जीरो का मतलब हो गया एक्स डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका सम जीरो होना चाहिए। ठीक है, उनका सम कैसा होना चाहिए? जीरो, या तो प्लस माइनस के हिसाब से आप लिख सकते हो या सिंपली लिख सकते हो। जैसे मैं, अगर मुझे राइट वार्ड और लेफ्ट वार्ड से मतलब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं राइट साइड में जो फोर्सेस लगेंगे उनको पॉजिटिव मान लेते हैं और लेफ्ट साइड में जो फोर्सेस लगेंगे उनको नेगेटिव मान लेते हैं। जो फोर्सेस इस डायरेक्शन में लगे हैं मैं उनको पॉजिटिव मान रहा हूँ, जो फोर्सेस ऐसे लगे हैं उनमें उनको नेगेटिव मान रहा हूँ। ठीक है, जो फोर्सेस अपवर्ड लगे हैं मैं उनको पॉजिटिव मान रहा हूँ, जो फोर्सेस डाउनवर्ड लगे हैं उनको मैं नेगेटिव मानूंगा। ठीक है, चलो अब देखो इधर, क्या एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगा है? एच ए, राइट में लगा है, पॉजिटिव मान लेता हूं। और एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा है क्या? नहीं लगा है। इसके अलावा बोलो जल्दी से, अरे बोलो यार, क्या दिख नहीं रहा है इसमें क्या आपको? और कोई फोर्स नहीं लग रहा ना, केवल एच ए ही लग रहा है और कौन कोई फोर्स है ही नहीं। इसका मतलब एच ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। बाकी और कोई फोर्स नहीं है तो है नहीं, तो जीरो हो जाएगा। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। तो वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं? एक तो आर ए लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है ना, आर ए अपवर्ड लग रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, हमने अपवर्ड को पॉजिटिव माना तो आर ए हो गया। अब देखो ये वाला यूडीएल लग रहा है, अब यूडीएल कितना लगा है, इसकी इंटेंसिटी कितनी? इंटेंसिटी है ना, हाँ बिल्कुल सही, हाँ तो इसकी इंटेंसिटी दी है 20, तो ये कितना लोड लग जाएगा? अब देखो ये डाउनवर्ड लगेगा, कैसे लगेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड लगेगा, डाउनवर्ड, तो माइनस में लिख दें। यस सर, माइनस लगा देंगे, तो 20 इंटू डिस्टेंस, मैंने बोला था कि इसका टोटल जो लोड होगा वो इसका, इसकी इंटेंसिटी और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई, मतलब 20 इंटू 2 40 के आसपास हो जाएगा। अब आगे मूव करते हैं, आगे ये 60 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड लग रहा है तो माइनस हो गया, 60 हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पर कपल लगा है, इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर रिएक्शन लगी अपवर्ड तो अपवर्ड को मान लेंगे पॉजिटिव आर बी, और डाउनवर्ड कौन सा लगा है, 20 माइनस 20, अब ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहां से आप देखोगे आर ए प्लस आर बी जो अपवर्ड फोर्सेस का सम है वो डाउनवर्ड के बराबर होना चाहिए। तो ये कितना है, 20 और 20 40 हो गया, माइनस 40 और 60 माइनस 100 20 माइनस 120, राइट साइड में जाएगा तो प्लस 120 हो गया। इक्वेशन नंबर वन, कोई दिक्कत यहां तक? बोलो। नो सर। चलिए माइक ऑफ करो। अब अगला, अब अगली कंडीशन अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, थर्ड कंडीशन दैट इज सिग्मा एम, किस पॉइंट के अबाउट ले लें, ए पॉइंट के अबाउट ले लेते हैं, सिग्मा एम ए इज इक्वल टू जीरो। याद रखते हैं कि क्लॉकवाइज अगर मोमेंट है कोई तो पॉजिटिव ले रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग नेगेटिव मान रहे हैं, इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए तो क्या है, ये जो 120 किलो न्यूटन का लोड था
और इसमें डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया तो टोटल लोड कितना लग रहा है यहाँ पर, 40 किलो न्यूटन का फोर्स लोड लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? वो कहाँ लगेगा? इन दोनों के बीच में, मतलब सेंटर में लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा अभी बताया था, तो कितने डिस्टेंस पे लगेगा? वन की डिस्टेंस पे लगेगा, बोलो, है ना, वन की डिस्टेंस पे लगेगा। तो और ये इसको इस पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले ले रहे हैं हम, किस पॉइंट के अबाउट, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए जीरो। ए पॉइंट के अबाउट ये इसको कैसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा, एंटी क्लॉक वाइज, तो माइनस में आ गया, माइनस 40 इंटू वन। अगला देखते हैं आर ए, आर ए ए पॉइंट से पास हो रहा है तो इसका मोमेंट तो जीरो हो गया। अगला देखते हैं 60 किलो न्यूटन, तो 60 किलो न्यूटन इस पॉइंट ए के अबाउट इस बीम को ऐसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो 60 इंटू यहां से यहां तक के डिस्टेंस 4, तो 60 इंटू 4 क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस। इसके बाद ये वाला मोमेंट कैसे लगा है? क्लॉकवाइज लगा है, तो इसको प्लस में मान लेंगे। कितना है प्लस में? 30 का। अगला देखते हैं ये कैसे घुमा रहा है, ये तो हो गया। ये आरबी ए पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी तो माइनस, है ना, आरबी इनटू, और ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 4 और 3 7 और 2 9, आरबी इनटू 9, माइनस आरबी इनटू 9। अगला देखते हैं ये 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ए पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है? 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11, तो 20 इंटू 11, ये क्लॉकवाइज लग रहा है, प्लस 20 इंटू 11, इट इज इक्वल टू जीरो। तो ये माइनस 40 प्लस 6 चौक 24, 240 प्लस 30 माइनस 9 आरबी और 22, 220 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये आपका हो गया 240, ये आपका हो गया 120। दो सौ चालीस और 220 कितना हो गया? ये आपका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज माइनस ये 120 क्लॉकवाइज प्लस, ये माइनस प्लस प्लस प्लस, एक माइनस था, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना हो गया? 240 ही हो गया, 220, 460, 460 और 30, 490 में से 40 गए, तो प्लस से कितने बचे? 490, 450 बच गए, 450 माइनस 9 आरबी इज इक्वल टू जीरो, ये इधर जाएगा, तो आरबी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5, 9, 5, 45, 50 किलो न्यूटन। ठीक है, आरबी आपका 50 किलो न्यूटन आ गया। और जैसे ही आरबी 50 आ जाएगा तो ये वाली आरबी की वैल्यू आप पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो आरबी की वैल्यू जैसे यहां पे पुट करोगे तो आरए कितना आ जाएगा? आरए प्लस आरबी 120 है ना, आरए प्लस आरबी इज इक्वल टू 120, तो ये यहां पे पुट कर दो आरबी की वैल्यू 50, तो यहां से आरए की वैल्यू आ जाएगी 70 किलोमीटर। ये आपकी सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।